लोकसभा चुनाव के माहौल में मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री कमलनाथ के ओएसडी के आवास पर रात 3 बजे आयकर विभाग का छापा पड़ा। छापे के बारे में लोगों को सुबह पता चला जब उनके घर इंदौर स्थित घर के बाहर अधिकारियों की भीड़ देखी गई। मौके पर करीब 15 अधिकारियां सर्चिंग के काम में लगे हुए थे। मुख्यमंत्री कमलनाथ के ओएसडी प्रवीण कक्कड़ के विजयनगर स्थित घर पर शनिवार रविवार की दरमियानी रात 3 बजे आयकर विभाग ने छापेमारी की। कक्कड़ पर आय से अधिक संपत्ति का मामला बताया जा रहा है। कमलनाथ के सीएम बनते ही भूपेंद्र गुप्ता ओएसडी बने थे, जिन्हें हटाकर हाल ही में प्रवीण कक्कड़ को ओएसडी बनाया गया। कक्कड़ मध्य प्रदेश पुलिस में अधिकारी थे। सालों पहले कक्कड़ ने वीआरएस ले लिया था। उन्हें झाबुआ के सांसद और पूर्व कांग्रेस अध्यक्ष कांतिलाल भूरिया का करीबी माना जाता है। अभी तक आयकर विभाग की टीम को 9 करोड़ रुपए बरामद होने की बात सामने आई है। आयकर विभाग की टीम ने दिल्ली और मध्य प्रदेश के 6 ठिकानों पर छापे मारे हैं। आयकर विभाग के अधिकारियों की एक टीम दिल्ली से कक्कड़ के यहाँ इंदौर के पौश इलाके विजयनगर में स्थित घर तड़के 3 बजे पहुंची और वहां तलाशी शुरू कर दी। आयकर विभाग के सूत्रों ने बताया कि 2 अधिकारियों ने चुनाव के दौरान हवाले के जरिए धन का लेन देन किया है।